ये देखिए हमारे सब्सक्राइबर बन चुके हैं अभी। अच्छा, हाय, मेरा नाम ज्योति त्यागी है, मैं लोटस सर्वर में बिजी हूँ और नाउ अभी हम आपको। हेलो गाइस, तो चल दिए हैं हम, निकल लिए हैं शॉपिंग करने के लिए करवा चौथ के लिए, तो दिखाएंगे आपको सारी शॉपिंग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज करवा चौथ की स्पेशल तैयारी हम आपको बताएंगे। तो निकल दिए हैं हम फिलहाल मार्केटिंग के लिए, जो जो भी सामान लेंगे, जो भी ज़रूरत है सामान की, तो वो सभी आज हम खरीदेंगे। और देखते रहिए, आप भी इंजॉय करते रहिए हमारे साथ मार्केटिंग का। तो गाइस, पहुंच चुके हैं हम मार्केटिंग के लिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे करवा और जो कैलेंडर होता है ना, और कथा की किताब वगैरह, तो हमारे पास थी करवा और कैलेंडर, हमने यहाँ से ख़रीद लिया है। और देखिए फ्रेंड्स, मार्केट में कितनी भीड़ हो रही है, सभी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, व्यस्त हो रखे हैं सब। कोई मेहंदी लगवा रहा है, कोई सामान खरीदने आया हुआ है, कोई शॉपिंग ऐसे करने के लिए आया हुआ है। और इतनी बुरी भीड़ लगी रहती है ना इन दिनों में, तो करवा चौथ के दिनों में, दो तीन दिन पहले से लेके और अभी उसके बाद फिर होली अष्टमी भी आएगी, उसके बारे में भी हम बताएंगे। फ़िलहाल हमने यहाँ से करवे खरीद लिए हैं अपने, और जो भी हमें एक दो चीज़ें अच्छी लगी वो भी यहाँ से ले लिए हैं। बाकी ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छे से भीड़ लगी है मार्केट में, बहुत ही अच्छा रश था। और जहाँ तक भी आप दूर दूर तक नज़र मारेंगे ना, मार्केट में बहुत ही ज़्यादा भीड़ इसी तरीके की मिलेगी। तो हम यहाँ से निकल दिए, हमने सब सामान ले लिया जो भी हमें चाहिए था, और बस फिर उसके बाद हमें कुछ थोड़ा बहुत सामान और चाहिए था, फिर हम वहाँ के लिए भी रवाना हो गए हैं। और जी देखिए फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड, चलते हैं हम आगे कुछ और सामान ख़रीदने के लिए। अभी देखते हैं हम क्या और लेना है हमको, कुछ सरगी का सामान भी लेना है, साथ ही साथ देखते हैं मेहंदी के बारे में भी हम पता करेंगे। तो देखते हैं, पता करते हैं यहाँ पे क्या रेट है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे पता कर किया, तो यहाँ पे भी तो सब बिजी थे, तो थोड़े महंगे महंगे ही लगा रहे थे आज के दिन तो मेहंदी। तो हमने पता किया, तो अभी तो वो बिज़ी थी, और उसके बाद देखते हैं अभी थोड़े देर से और शॉपिंग कर लेंगे। हमने बोला कि शॉपिंग करते हैं पहले, फिर से मिलते हैं आपसे हम। वैसे तो बहुत सारी मार्केट में मेहंदी लगाने वाले बैठे हुए थे, तो ये फर्स्ट हमने देखी थी यहाँ पे। तो अभी एक लेडीज़ लगवा रही थी उसके पास, तो उसके बाद देखते हैं हम। अभी पहले थोड़ी शॉपिंग करने के लिए बोल दिया हमने कि शॉपिंग करके आते हैं पहले, इसके बाद ही हम कुछ ना कुछ और ख़रीदारी करेंगे और मेहंदी लगवा लेंगे। तो चलते हैं आगे, थोड़ा कुछ हमें सरगी का सामान भी लेना है, तो पहले सबसे पहले ले लेते हैं हम सरगी का सामान। तो चलते हैं, तो आप भी चलिए हमारे साथ। देखते देखते नज़ारे देखो, कितने अच्छे अच्छे सब सजी सजी दुकानें हैं, बहुत कुछ भीड़ भाड़, अच्छा लगता है माहौल। तो ये आ गए हम सरगी की दुकान पर, तो हम यहाँ से सामान ले लेते हैं जो जो हमको चाहिए, जो जो सरगी में होता है सामान। तो ये ले लेते हैं हम, भैया दे रहे हैं हमको सामान, बहुत अच्छी दुकान है ये भी, यहीं से हम ज़्यादातर लेते हैं सब मिठाइयाँ वगैरह, बहुत अच्छी शॉप है, साफ़ सुथरा सामान मिलता है यहाँ पे सब कुछ। और ये लेने के बाद फिर हम चलेंगे कुछ कॉस्मेटिक्स आइटम भी लेने हैं हमको अभी, तो चूड़ियाँ वगैरह अभी। और अब देखते हैं, अब दे रहे हैं भैया हमको सामान, लेके फिर चलते हैं हम। तो हमने सामान ले लिया है फ्रेंड्स, तो अब हम चलते हैं बस कॉस्मेटिक्स की शॉप पर। ये देखिए आ गई है हमारी कॉस्मेटिक की शॉप, देखते हैं बाहर क्या क्या, बड़ा रश हो रखा है यहाँ पे, चूड़ियाँ वगैरह सब मिल रही हैं यहाँ पे, सेल लगी हुई है यहाँ पे चूड़ियों की भी बड़ी अच्छी सी। तो अभी तो काफ़ी रश है, तो अभी देखते हैं कुछ मिलता है अच्छा सा तो हमको। तो पहले अंदर ही चलते हैं, अंदर से शॉपिंग करते हैं। हमने बिंदियाँ वगैरह ले ली हमने यहाँ से, तो और देखते हैं कुछ कॉस्मेटिक्स के आइटम्स हमको लेने हैं। आ गए हम यहाँ पर कॉस्मेटिक देखने के लिए, तो देखते हैं, बड़ी अच्छी शॉप लगती है हमको, यहीं से हम हमेशा शॉपिंग करते हैं कॉस्मेटिक्स की भी, तो दिखाते हैं आपको भी। चलिए, ये देखिए सब जगह भी अच्छे अच्छे ब्रांड्स लगे हुए हैं यहाँ पे, तो बहुत बढ़िया लगता है हमको यहाँ पे आके। और अच्छी अच्छी शॉपिंग हम करके जाते हैं यहाँ से हमेशा, जब भी व्रत वगैरह होता है, ये करवा चौथ वगैरह होता है, त्यौहार होते हैं, तो हम यहीं पर हमेशा आते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो ये हमको दिखाएंगे अब लिपस्टिक वगैरह की सब चीज़ें अच्छी।
अब टेस्टिंग होगी यहाँ पे, देखते हैं हमको क्या पसंद आता है कुछ। लेकिन जो उस टाइम हमें चाहिए था मेबलिन के प्रोडक्ट्स वो तो थे ही नहीं, तो अभी हमें एक हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर मिली है यहाँ पर, तो वो हमको बताएंगी आज क्या हम अच्छा ख़रीदें, क्या हम मतलब बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट्स उन्होंने बताया था। तो ये देखिए हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर ये हैं, तो अभी इनसे बात कराते हैं, थोड़ी बिजी हैं ये। ये देखिए ये आ गई हैं, टेस्टिंग करने लगी हैं ये हमारे हाथ पे, दिखाने लगी हैं। तो ये देखिए हमारे सब्सक्राइबर बन चुके हैं अभी। अच्छा, हाय, मेरा नाम ज्योति त्यागी है, मैं लोटस सर्वर में बिजी हूँ, और नाउ अभी हम आपको मेकअप कलर दिखा रहे हैं, लोटस में अच्छे कलर दिखाएंगे। ओके, चलिए दिखाना शुरू कीजिए। ये मेबलिन का मैम क्रीमी मैट है, क्रीमी मैट है, हाँ जी, हल्का सा ग्लॉस भी आए ना उसमें, हल्की सी शाइन हो मैम, हल्का सा होना चाहिए। लिपस्टिक ना दो तरह की होती है, एक होती है लिक्विड मैट जो ट्रांसफर नहीं होती है, आप उसको अगर ग्लॉसी चाहिए आप उसको हल्का बाम लगा सकते हैं, एक होती है जो बुलेट में आती है जो मैट होती है बट उसमें शाइन आती है, तो मैं ट्रांसफर दिखाती हूँ आपको, ठीक है, जैसे ये करना यहाँ पे ना अच्छे से दिखता है, मैट भी है शाइन भी है दोनों मिलेगा आपको। अभी अगर मैं आपको बहुत अच्छा दिखाना चाहूँगी, क्योंकि लोटस की जो लिपस्टिक है ना ये नेचुरल मैट है, उसका रीजन है मैम आपने इसे कौन सी रेंज दी है ना, वो भी अच्छी है हमारे पास, दो ये वाली रेंज है नेचुरल मैट है, बट आप एक बार यूज करके देखो उसका खाद होता, फोटो खींच ली थी ना तुमने, नहीं मैंने आपने फाउंडेशन मैम, एक लीविंग सर्विस, अगर हमारी सर्विस अच्छी है तो हमारे लिए इससे अच्छा कुछ नहीं है। अब देखो आपका जो कलरफुल हैंग है उसका थोड़ा थोड़ा अगर हमने निकाल दिया, ठीक है, अब आपके हाथों में मेहंदी अच्छे से चढ़ेगी, रंग अच्छे से आएगा और कोई पहचाने का भी नहीं, आप लिपस्टिक देख के आए हो। मैं जो आपको काजल दे रही हूँ मैम, ये लोटस का कलर टिक काजल है, इसकी खासियत ये है कि एक आवर अपने लोटस पे स्टे करता है, साथ में वाटर प्रूफ है, मजबूत है, और सबसे अच्छी बात ये फिर बोटैनिकल एक्सट्रैक्ट का आता है, जेट ब्लैक आता है, और इसके अंदर आलमंड ऑयल है जो आपकी वाटर लाइन को ड्राई नहीं होने देगा, आपकी इसकी भी केयर करेगा और आपको ब्यूटीफुल भी बनाएगा। जितने भी लोटस के प्रोडक्ट आते हैं वो सेफ और नेचुरल होते हैं, 100% वेजिटेरियन होते हैं और विद बोटैनिकल एक्सट्रैक्ट के साथ होते हैं। ये देखिए इसका एकदम जेट ब्लैक ही आएगा, आपने थोड़ी सी ब्लैक निकालनी है, मैं इसको जैसे मर्जी अप्लाई कर सकते हैं, प्रॉपर जेट ब्लैक आएगा। और मैम इसमें लिखा हुआ है 100% वेजिटेरियन, अगर आप बैग पे जाएंगे तो आप इस पर देख पाओगे इसमें लिखा है कि इसमें आलमंड ऑयल और बोटैनिकल एक्सट्रैक्ट है, बोटैनिकल एक्सट्रैक्ट मतलब इसके इसमें जितने भी एक्सट्रैक्ट हैं वो किसी या तो किसी फ्लावर है या कोई कितना बार के इनकी ही एक्सट्रैक्ट डाले जाते हैं, क्योंकि आप देखोगे ना हमने स्टार्ट किया था हर्बल रेंज से, हमारा जो लोटस के हर्बल प्रोडक्ट आते हैं स्किन केयर, हम स्किन केयर में लीडर हैं, अभी हम कलर कॉस्मेटिक में कस्टमर को ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हैं जो उनके लिए सेफ भी हो और उन्हें भी बनाए। यदि मैम हम स्किन अगर हम स्किन करेक्टर की बात करें, हम अपनी स्किन को करेक्ट करना चाहते हैं, स्किन टाइट करना चाहते हैं, तो हमारा ये हमारा कॉमन ब्राइट रेंज है, अभी न्यू लॉन्च हुआ है, इसमें क्या है इसमें प्लांट बेस्ड रेटिनॉल है, जब आप रेटिनॉल देखोगे ना ये एंटी एजिंग का बेनिफिट देता है, बट हमारे क्रीम में क्या है प्लांट बेस्ड रेटिनॉल है और साथ में विटामिन सी है जो कटारू प्लम से लिया गया है,
अगर आप इसका रेटिनोल भी देखोगे ना प्लांट भी, इसे बापची प्लांट आता है, बापची प्लांट से बापूची ऑयल लिया गया है। बापूची ऑयल का जब इफेक्ट है वो है जो क्या करता है आपका प्लांट भी रेटिनोल का काम करता है। स्किन के बेनिफिट क्या है, आप लगाओगे आपकी स्किन को फॉर्म करेगा और साथ में स्किन लाइटनिंग का वर्क भी करता है। सबसे बड़ी बात इसको मैंशन है 100% वीगन है, नो टॉक्सिस केमिकल है, प्रिजर्वेटिव फ्री है और क्रुएल्टी फ्री है। और इसकी सबसे और भी अच्छी बात है कि मैम हम लोटस हर्बल हैं, हम इन्वायरमेंट का बहुत ध्यान रखते हैं। हमारा ये कार्टन है ना, ये कार्टन पूरा ये FSC सर्टिफाइड है, यानी कि हमने किसी भी लाइव ट्री को काट कर इस कार्टन को नहीं बनाया है। हम पेड़ काट के वैसे नहीं बनाया है, जो पेड़ ऑलरेडी डेड हो जाते हैं जिनका कोई यूज नहीं रहता उसकी लकड़ी से हमने पेपर बनाया है, ये एनवायरमेंट के लिए। हाँ देखिए आप ये बहुत अच्छा काजल है, आप नॉर्मली क्लीन करोगे इजीली क्लीन होगा, आई से बैठे थे वो मच नहीं करते। आपका एटा बस केक सही है, काफी टाइम आप यूज करो आपको। चलो आएंगे हम आपका रिव्यू देने के लिए वापस, अच्छा लगा। दोबारा से दोबारा मुलाकात होगी आपसे जरूर, बिल्कुल मैम, थैंक यू। वैसे मैं यहाँ पर परमानेंट वर्क नहीं करती, मैं BDE हूँ तो मैं पूरा बैस वैली सेंट्रल वैली देखती हूँ। बट हाँ जब भी आपको मिलना होगा आप यहाँ पर बोलेंगे, जिस भी जो भी प्रेजेंट होगा लोटस से वो मुझे कांटेक्ट करेंगे, आपसे मिलने आऊँगा। थैंक यू बाय। तो उन्होंने हमें बहुत ही अच्छे से अटेंड किया और बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स दिखाए। हमने भी लोटस के काजल लिए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल थे, बहुत बढ़िया हैं वो। और फिर उसके बाद हम आ गए इसी शॉप में बाकी और कॉस्मेटिक्स थोड़ा बहुत आइटम लेने के लिए, जैसे सिंदूर वगैरह और बिंदी वगैरह ये सब लेने के लिए। तो ये ले के फिर हम निकलेंगे घर की ओर। तो पहले हम ये ले लेते हैं, ये बहुत अच्छी बहुत वैरायटी की चीज़ें। और देखिए नेल पेंट्स भी वगैरह बहुत अच्छे अच्छे शेड्स थे नेल पेंट के भी। तो यहाँ से नेल पेंट भी हमने परचेज़ किया था। देखिए ब्यूटी कॉस्मेटिक आइटम्स भी बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे रेट्स पे रीजनेबल प्राइस पे थे। तो ये सब अच्छी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पर। हम हमेशा यहीं से ही शॉपिंग अपनी करके ले जाते हैं, तो हमें यही शॉप बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और काफ़ी फ्रेंडली भी हैं यहाँ के जो अटेंड करते हैं हमको। तो अच्छे से हमारी शॉपिंग हो गई थी, तो बस बिलिंग टाइम चल रहा है यहाँ पर। बिल में थोड़ा सा टाइम तो लगता है क्योंकि काफ़ी रश था, तो कर रहे हैं वो आंटी जी जो है बैठी है ये बिलिंग कर रही हैं यहाँ पे। तो अभी कर रहे हैं हम वेट, बस निकलेंगे फिर। अब हो चुकी है हमारी बिलिंग, अब हम बस निकल चुके हैं शॉप से। बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे, यहाँ का एक्सपीरियंस हमेशा लाजवाब होता है, बहुत ही बढ़िया शॉप है ये। तो फिर हम उसी शॉप में नीचे की तरफ था, उन्होंने चूड़ियों के लगाए हुए थे स्टॉल, तो यहाँ पे भी कुछ सेल वगैरह थी, तो हम यहाँ से भी चूड़ियाँ देखने लग गए थे। तो हमारी साइज़ का थोड़ा मिल नहीं रहा था, बट देख रहे थे हम अच्छे अच्छे काफ़ी कलरफुल चूड़ियाँ थी, बहुत प्यारे लग रहे थे। तो कुछ टाइम हमने यहाँ पे भी स्पेंड किया, देख रहे थे चूड़ियाँ, लेकिन हमें हमारी साइज़ का मिला नहीं। तो देखते हैं अभी यहाँ पे, देखिए कई कई वैरायटी भी देखो, लोग बाग आ रहे हैं, लेडीज़ आ रही हैं, देख रही हैं सारी चीज़ें। तो बस यही चलता जा रहा था सिलसिला, हम भी देख ही रहे थे, मेरी सिस्टर देख रही हैं। तो हमें यहाँ पे साइज़ तो अपना मिला नहीं, तो हम थोड़ा आगे की तरफ निकल गए, देखते हैं दूसरी शॉप पे मिलेगा क्या। तो फिर हम निकल रहे हैं, एक दूसरी शॉप है जहाँ से हम चूड़ियाँ खरीद लेते हैं कभी कभी, तो वहीं पे जा रहे हैं हम अब। बाकी सबकी शॉपिंग चले जा रही है, अब पूरा दिन यही रहेगा आज का। आज के दिन ज़्यादा रश रहता है देखिए लेडीज़ों में। अब हम आ चुके हैं इस गली के अंदर, यहाँ पे एक शॉप है जहाँ से हम चूड़ियाँ वगैरह ख़रीदते हैं। तो बस अब सिर्फ चूड़ी रह गई है हमारी, बाकी सब चीज़ें तो हमारी हो चुकी है शॉपिंग। तो बस मेरी सिस्टर जल्दी जल्दी भाग भाग के आगे जा रही हैं ताकि जल्दी से ये शॉपिंग भी कंप्लीट हो हमारी। तो आ गए हम चूड़ी वाले की शॉप पे, ये देखिए यहाँ पे और भी लेडीज़ बैठी हुई हैं। तो यहाँ पे तो सिर्फ नाम साइज़ बता दो और अपने आप फटाफट से दे देते हैं। हमने रेड ही लेनी थी चूड़ियाँ, तो रेड ही चूड़ी ली थी हमने, तो साइज़ भी फटाफट से मिल गया था। ये देखिए इनकी शॉप भी अच्छी खासी सजी हुई है। और ये देखिए बाल्टी जैसे पता नहीं क्या बकेट सा टांगा हुआ था, ऊपर से नीचे सामान आ जा रहा था। तो ये हमारी चूड़ियाँ मिल चुकी हैं हमको, बस भैया चेक कर लेंगे एक बार, फिर हम उसकी पेमेंट करेंगे और बस निकल लेंगे घर की ओर। यहाँ पे भी देखो इन्होंने चूड़े वगैरह सब, इतने डिज़ाइनर चूड़े थे, आजकल बड़े फैंसी चूड़े भी चल रहे हैं।
तो ये देखिए कितने प्यारे प्यारे से लग रहे थे यहाँ पे भी। और बस हमारी पेमेंट हो चुकी है, बस अब निकल रहे हैं घर की ओर वापस से। तो गाइज़ कैसा लगा आपको हमारे वीडियो, आप कमेंट भी कर दिया करें, बताया करें कि कैसा लग रहा है आपको हमारी वीडियोस, कैसी लगती है, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा हमारे चैनल को। तो चलिए आप चलते हैं घर की तरफ, बस अब निकल रहे हैं हम बाय बाय बोल के इस मार्केट को। शाम को देखेंगे या शाम को ही लगवाएंगे मेहंदी, तो अभी तो काफ़ी रश लग रहा है, सामान भी हमारे हाथों में काफ़ी सारा हो गया है, तो पहले सामान को घर पे रखेंगे। थोड़ी सी पेट पूजा भी कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए लड्डू वाले भैया बड़े फेमस हैं यहाँ पे, मूंग दाल के लड्डू मिलते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सोचा थोड़ा सा चलो ये भी खा ही लेते हैं, फिर तो कल तो फास्ट है ही हमारा सबका। तो ले लिया था हमने थोड़ा सा एक प्लेट, और मैं एक बार पार्लर की दुकान पे जा रही थी थोड़ा देखने के लिए, कुछ कराने के लिए, कुछ छोड़ा बोड़ा, कुछ फेशियल वगैरह, कुछ क्लीनअप वगैरह कराने के लिए। वैसे टाइम तो अब बचा नहीं है खास, तो देख रही थी मैं इधर जाके, सब जगह मेहंदी लगी हुई है, तो मैंने पूछ लिया था वहाँ पे जाके कि कैसे क्या प्राइस है पार्लर में भी, काफ़ी रश था वहाँ पर भी, तो फिर अभी तो मैं नहीं गई थी, बस मैंने पता किया था खाली, बस फिर मैं वापस ले चल दी अपनी सिस्टर के पास। बस अब निकलेंगे हम यहाँ से मार्केट से, थोड़ा बहुत कुछ खा के, ये छोटा सा जो भी हमने लड्डू वाला जो यहाँ से मूंग दाल के लड्डू जो लिए थे वो खाएंगे, और तब तक भैया तल ही रहे थे ना, तो अब हम खाएंगे ये। देखिए कैसे गर्मा गर्म बनाए जा रहे हैं भैया, बहुत अच्छे सही अच्छे टेस्टी होते हैं, बहुत यम्मी गर्मा गर्म क्रिस्पी क्रिस्पी। तो बस वो खा के हम अब निकल चुके हैं अपने घर की तरफ फटाफट से, तो अब घर जाएंगे और अपना पूरा सामान सेट करके रखेंगे सुबह के लिए। सुबह उठेंगे हम फिर चार बजे के करीब उठेंगे, और अपना सर्गी वर्गी करेंगे, बाकी घर के काम निपटा लेते हैं तब तक, और रात को मेहंदी लगवाने तो आना ही है फिर शॉप पे, तो फटाफट से चलते फिर घर के बाकी काम निपटा के खाना वाना बना के, और अपने बच्चों को भी खिला पिला के सब कुछ करके, और बस निकल रहे हैं हम घर की तरफ। तो गाइज आपको हमारी ये वीडियो कैसी लग रही है आप हमें बताइए ज़रा कमेंट करके, अगर आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर दबाया करें फ्रेंड्स, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। तो थैंक यू सो मच।